तो दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर सभी खबरों को आज आपको विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। इसी बीच पहली खबर में आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर को लेकर अमेरिका से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। अमेरिका ने जम्मू कश्मीर को बताया पाकिस्तान का हिस्सा। वहीं दोस्तों आपको बताएंगे दिल्ली में संतों ने एक बार फिर से मुसलमानों की खुलेआम गर्दन काटने का फरमान किया जारी। दिल्ली पुलिस ऐसे ही देखती रही तमाशा। वहीं दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे बीजेपी सरकार ने टीपू सुल्तान ट्रेन का बदला नाम। उवैसी बोले टीपू सुल्तान की विरासत को मिटा नहीं पाएगी भाजपा। वहीं दोस्तों आपको बताएंगे CAA को लेकर दिल्ली दंगों में गृह मंत्री अमित शाह। दिल्ली पुलिस और केजरीवाल पाए गए दोषी। मुसलमानों को बदनाम करने की रची गई थी साजिश। वहीं दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश के बहराइच में ईद मिलादुन्नबी के जुलूस के दौरान बड़ा हादसा। हाई टेंशन तार के संपर्क में आने से 5 मुसलमानों की मौत। वहीं आपको बताएंगे कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहे जन समर्थन से बौखलाई बीजेपी। विज्ञापनों से लेकर पोस्टरों तक किया बीजेपी ने फर्जीवाड़ा। तो दोस्तों सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आप हमारी वीडियो को कहां और किस राज्य और किस देश से देख रहे हैं। इसी बीच वाली फड़ी के मनकाल के सामने जम्मू कश्मीर को लेकर अमेरिका से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। अमेरिका ने कश्मीर को बताया पाकिस्तान का हिस्सा। चौंसा पदे जम्मू कश्मीर को लेकर अमेरिका से मोदी सरकार को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें पाकिस्तान के समर्थन में उतरकर पीओके वाली कश्मीर को अमेरिका ने आजाद कश्मीर कहा और इससे पाकिस्तान का हिस्सा बताया, जिसके बाद मोदी सरकार को झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें ये पहली बार है जब अमेरिका ने खुले तौर पर जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान का साथ दिया है और पाकिस्तान द्वारा कब्जा की गई कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताया और इससे आजाद कश्मीर कहा, जिसके बाद भारत में अमेरिका का विरोध हो रहा है और लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान में सरकार बदलने के बाद अमेरिका लगातार पाकिस्तान का साथ दे रहा है जबकि भारत के खिलाफ कदम उठा रहा है और उन्हीं कदमों में से एक जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताने वाला कदम है। दरअसल आपको बता दें अमेरिका के राजदूत डोनाल्ड ब्लूम 4 अक्टूबर को पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के मुजफ्फराबाद गए थे। यहां वे पाकिस्तान US अलमनाई के सदस्यों के साथ एक बैठक में शामिल हुए थे। इस बैठक को लेकर पाकिस्तान स्थित अमेरिकी दूतावास के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया है जिसमें पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर को आजाद जम्मू कश्मीर लिखा गया है। कहा जा रहा है कि अब तक अमेरिका पाकिस्तान के नियंत्रण वाले कश्मीर को पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर कहता था, लेकिन अचानक से उसने आजाद जम्मू कश्मीर कहा है, जिसके बाद मोदी सरकार को बड़ा झटका अमेरिका ने आज ही दिया। इसी बीच अगली बड़ी खबर मनकाल की, दिल्ली में संतों ने एक बार फिर मुसलमानों की खुलेआम गर्दन काटने का फरमान किया जारी। दिल्ली पुलिस ऐसे ही देखती रही तमाशा। चौंसा पदे दिल्ली को दंगों की आग में झोंकने के लिए असामाजिक तत्व हिंसा भड़काने वाली बयानबाजी कर रहे हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली में एक हिंदू युवक की मुस्लिम युवकों ने सरयाम चाकू से गोद कर हत्या कर दी थी, जिसके आक्रोश में विश्व हिंदू परिषद ने आक्रोश सभा का आयोजन किया था। आक्रोश सभा को संबोधित करने आए संतों ने जमकर हिंदुओं को हिंसा के लिए उकसाने की कोशिश की है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस आक्रोश कार्यक्रम में पुलिस भी थी, फिर हिंसा को उकसाने की बयानबाजी करने वाले संतों को क्यों नहीं रोका गया। भड़काऊ बयानबाजी करने वाले संत आचार्य योगेश्वर ने हिंदू युवकों को कानून में हाथ लेकर मुसलमानों की गर्दन काटने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों के आतंक के कारण ही सुंदर नगरी से हिंदू परिवार जन पलायन कर रहे हैं। इसके साथ ही हेट स्पीच देने में अब्बल महंत नवल किशोर दास ने तो हिंदू युवकों को रक्षा के लिए खुलेआम शस्त्र हत्या उठाने की सलाह दी। उन्होंने उकसाते हुए कहा कि हिंदुओं ने कानून का पालन करने का ठेका नहीं ले रखा है। दरअसल आपको बता दें दिल्ली के सुंदर नगरी में कुछ दिनों पहले एक युवक मनीष की मुस्लिम युवकों ने गर्दन काटकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद ने आज इस रैली का आयोजन किया था। अगली बड़ी खबर मनकाल की, टीपू एक्सप्रेस का नाम बदलने को लेकर बीजेपी पर बरसे उवैसी। कहा टीपू की विरासत को कभी नहीं मिटा पाएगी भाजपा। चौंसा पदे भारतीय रेलवे ने बेंगलुरु मैसूर टीपू एक्सप्रेस का नाम बदलकर बोडियार एक्सप्रेस कर दिया है। ट्रेन का नाम बदलने को लेकर बीजेपी सांसद प्रताप सिन्हा ने रेल मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखी थी। रेल मंत्रालय ने इस ट्रेन का नाम बदलने को लेकर एक लेटर जारी कर दिया है। अब इसको लेकर AIMIM चीफ अशुद्दीन उवैसी ने भाजपा पर हमला बोला है। उवैसी ने कहा कि टीपू की विरासत को बीजेपी कभी नहीं मिटा पाएगी। उवैसी ने ट्रेन का नाम बदलने को लेकर कहा कि बीजेपी सरकार ने टीपू एक्सप्रेस का नाम बदलकर बोडियार एक्सप्रेस कर दिया है।
टीपू ने बीजेपी को इसलिए परेशान किया है क्योंकि टीपू ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ 3 युद्ध छेड़े थे। किसी दूसरी ट्रेन का नाम भी तो बोडियार एक्सप्रेस के नाम पर रखा जा सकता था, लेकिन भाजपा चाल ने नाम कितना ही भाजपा बदल ले, लेकिन टीपू की विरासत को बीजेपी कभी नहीं मिटा पाएगी। इसी बीच अगली बड़ी खबर का लोकेशन, मुस्लिम विरोधी देश फ्रांस ने अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने का दिया आदेश, कहा जितनी जल्दी हो सके लौट आए सभी लोग। चौंसा पदे, फ्रांस ने अपने नागरिकों से जल्द मुस्लिम देश ईरान छोड़ देने को कहा है। ईरान ने 2 फ्रांसीसी नागरिकों को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया है, जिसके बाद फ्रांस ने ये एडवाइजरी जारी की है। फ्रांस ने अपने नागरिकों को चेतावनी दी है कि यदि वे ईरान में रहते हैं तो उन्हें गिरफ्तारी और अनुचित ट्रायल का सामना करना पड़ सकता है। फ्रांस के विदेश मंत्रालय ने यह भी चेतावनी दी है कि गिरफ्तारियां नजरबंदी के मामले में मौलिक अधिकारों के सम्मान और व्यक्ति की सुरक्षा की गारंटी नहीं है। फ्रांसीसी विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को अपनी वेबसाइट पर चेतावनी देते हुए लिखा कि ईरान में रह रहे फ्रांसीसी नागरिक भले ही वे दोहरी ही नागरिकता क्यों न रखते हों, उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, उन्हें मनमाने ढंग से हिरासत में रखा जा सकता है और उन्हें अनुचित ट्रायल के हाई रिस्क का सामना करना पड़ सकता है। वेबसाइट पर लिखा गया कि नागरिकों को ईरान में गिरफ्तार किए जाने की आशंका काफी है, इसलिए वो जितना जल्दी हो सके मुस्लिम देश ईरान से बाहर निकल जाएं। इसी बीच अगली बड़ी खबर का लोकेशन, बाजार से होकर गुजरा वारफात का जुलूस, नाराज हिंदीवादी नेताओं ने DMSP से मुलाकात कर जताया विरोध, मुसलमानों में फाई नाराजगी। चौंसा पदे, यूपी के कासगंज जिले में ईद मिलादुन नबी का जुलूस नई परंपरा के साथ निकालने पर हिंदूवादी नेताओं में आक्रोश फैल गया। नाराज विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने DMSP से मुलाकात कर नई परंपरा का विरोध किया और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के एटा कासगंज के विभागाध्यक्ष अरविंद चौहान ने बताया कि शहर में वारफात का जुलूस पिछले 40 वर्षों में कभी भी मुख्य बाजार से होकर नहीं निकाला गया, लेकिन इस बार जिले में एक नई परंपरा का सृजन हुआ है। जिला अधिकारी हर्षिता माथुर और पुलिस अधीक्षक BB GTS मूर्ति से मुलाकात कर विश्व हिंदू परिषद के विभागाध्यक्ष अरविंद चौहान ने कहा कि उन्होंने DMSP से शिकायत की है। इस मामले में अधिकारियों द्वारा जांच का आश्वासन दिया गया, जल्दी मामले की जांच कर प्रशासन इस पर कार्रवाई करेगा। इसी बीच अगली बड़ी खबर का लोकेशन, दिल्ली दंगों को लेकर हुआ बड़ा खुलासा, मोदी सरकार ने दिल्ली में करवाए थे दंगे, रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा, मोदी को झटका। चौंसा पदे, देश की राजधानी दिल्ली में 2020 में नागरिकता संशोधन कानून CAA NRC और NPR में हुए सांप्रदायिक दंगों के लिए दिल्ली पुलिस, आम आदमी पार्टी की सरकार और BJP के केंद्रीय मंत्रालय जिम्मेदार है। ये निष्कर्ष दंगों की जांच करने वाली कमेटी का है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मदन लोकुर की अगुवाई में बनी कमेटी ने अपनी 170 पन्नों की रिपोर्ट में दिल्ली दंगों के लिए सरकारी मशीनरी के संवैधानिक जिम्मेदारी निभाने वालों में नाकाम होने की बात कही है। कमेटी ने रिपोर्ट में कुछ मुख्य बिंदु सामने रखे हैं। एक सोची समझी के नीति के तहत मुस्लिम विरोधी नैरेटिव को फैलाया गया, जिससे हिंसा भड़कुटी। इससे संकेत मिलता है कि सार्वजनिक विमर्श में नफरत भरे संदेशों का हिंसा से सीधा संबंध है। ऐसा लगता है कि नफरत भरे संदेशों आदि जैसी सामग्री के प्रसार को रोकने या उन्हें फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए संस्थागत इच्छा शक्ति की भारी कमी थी। दरअसल आपको बता दें, उत्तर दिल्ली में CAA के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ था, जिसके बाद हिंसा भड़क गई थी। अब इस चीज को लेकर आज रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ और कहा है कि सिर्फ मुसलमानों को बदनाम किया गया था, मुसलमानों ने कहा दिल्ली हिंसा में कोई दोष और कोई कसूर नहीं था, ये दंगे BJP सरकार, केजरीवाल सरकार और दिल्ली पुलिस ने कराए थे। इसी बीच अगली बड़ी खबर का लोकेशन, उत्तर प्रदेश में ईद मिलादुन नबी के जुलूस के दौरान बड़ा हादसा, हाई टेंशन तार के संपर्क में आने से 5 मुसलमानों की मौत। चौंसा पदे, उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में रविवार सुबह ईद मिलादुन नबी के जुलूस के दौरान हाई टेंशन तार के संपर्क में आने से 5 लोगों की करंट लगने से मौत हो गई। ये घटना उस समय हुई जब लोहे की रोड से ले जा रहे लोगों ने गलती से एक हाई टेंशन तार को ऊपर से छू लिया। 5 पीड़ितों में से 4 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 व्यक्ति जिसे इलाज के लिए लखनऊ रेफर किया गया उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मुख्यमंत्री योगी ने बहराइच में एक जुलूस के दौरान जान गंवाने वाले दुख व्यक्त किया है। उन्होंने शोक व्यक्त, परिवारों के लिए संवेदनाएं व्यक्त की हैं। इसके साथ ही उन्होंने जिला अधिकारियों और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं और आगे की जांच जारी है, लेकिन ये बहुत ही दुखद खबर है। बड़ी खबर का लोकेशन, BJP सांसद प्रवेश वर्मा का विवाहित बयान, कहा हिंदू चाहे तो 24 घंटे में सिखा देंगे सबक। चौंसा पदे,
दिल्ली में पिछले दिनों मनीष नाम के एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना उत्तर पूर्वी दिल्ली इलाके के नंद नगरी की थी। मनीष की हत्या पर अब बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने मुसलमानों को लेकर विवाद बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मनीष की हत्या जिहादी तत्वों के कारण हुई है। वर्मा ने कहा कि जिहादी तत्व बकरा ईद जैसे त्योहारे के जरिए अपने बच्चों में नफरत भरते हैं। प्रवेश वर्मा पश्चिमी दिल्ली से लोकसभा सांसद है। मनीष हत्याकांड के विरोध में विश्व हिंदू परिषद ने 9 अक्टूबर को एक आक्रोश सभा बुलाई थी। इस आक्रोश सभा में वर्मा ने बोलते हुए कहा कि जब तक सभी हिंदू एकजुट नहीं होंगे ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। दरअसल मनीष की हत्या का आरोप कुछ मुस्लिम युवकों पर लगा है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। वर्मा ने कहा कि ये जिहादी तत्व दिल्ली में ऐसी चीजें कर सकते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यहां उनकी सरकार है, लेकिन हम अगर अपनी पर आ गए तो 24 घंटे में हिंदू सबको शबक सिखा देंगे। दोस्तों किस तरह से ये भड़काऊ बयान बीजेपी के सांसद दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी मोदी सरकार इन पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी। अगर मोदी मुसलमान या और कोई नेता ऐसा बयान दे देता तो उस पर अब तक केस चल रहा होता और यूपीए और उसके घर पर बिल्डोजर भी भाजपा ने चलवा दिया होता।